हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल की तरफ से मैं कृष्णा घोष आप सभी टेक्निकल स्टूडेंट को और एक बार स्वागत है आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। आज मैं आप सभी ITI और डिप्लोमा फ्रेशर्स के लिए एक नया जॉब का अपडेट लेके आया हूँ। देखिए, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए हर एक जॉब, सभी डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट और आप लोग ITI के लिए जॉब का अपडेट देने की कोशिश कर रहा था। तो आप में से जितने भी सारे ITI के मेरे व्यूअर्स से आप लोग बोल रहे थे, सर ITI के लिए ज़्यादा कुछ जॉब अपडेट आप नहीं दे रहे, तो ITI के लिए कुछ जॉब का अपडेट लेके आइए। फाइनली आज का ये जॉब अपडेट आप लोगों के लिए है। साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा फाइनल ईयर पे है, आपके पास ऑलरेडी पास आउट है, आपके पास 0 to 1 ईयर्स, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर्स है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका कंपनी है RSB, जो पुणे में एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इनका बहुत सारे जगह में जो है RSB ग्रुप का कंपनी रहता है, तो इनकी तरफ से जो हायरिंग चल रहा है आपको ट्रेनिंग पीरियड पे लिया जाएगा, ठीक है। ITI का बहुत सारे डिपार्टमेंट है। साथ ही साथ ये पहले मैं कंपनी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, कंपनी का वेबसाइट देख के भी आपको पता चल रहा है, यहाँ पे इंजन का जो पार्ट रहता है 4 सिलेंडर 8 सिलेंडर इंजन रहता है, साथ ही साथ जो ट्रेलर बनता है उसके साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर का गियर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे तैयार होता है, ठीक है। तो VMC मशीन, CNC मशीन, उसके साथ साथ आपको मिलिंग मशीन, ये सभी मशीन्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ फिटर डिपार्टमेंट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट पे भी यहाँ पे काम होता है। तो ये जो कंपनी है पुणे में, अभी इनका जो पुणे का प्लांट है यहाँ पे वैकेंसी चल रहा है। आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई है, ये मैं आप लोगों को अभी बता देंगे। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए तो आज ही जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @YouTuberKrishna, वहाँ पे जाके अगर आप लोग ज्वाइन हो जाते तो आपको डेली बेसिस पे जॉब का अपडेट मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो ऐसे में आप फेसबुक का जो ग्रुप है आप लोगों के लिए, तो ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक तो मैक्सिमम सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ RSB ट्रांसमिशन की तरफ से पुणे का लोकेशन पे ये वैकेंसी है। आपको 24 तारीख से यहाँ पे इंटरव्यू का कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब आज की डेट से ही, आज मॉर्निंग को देखिए 8:37 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक 9:30 AM से 5:30 PM तक आपका इंटरव्यू चलेगा। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर, ये जो मेंशनेड लोकेशन है आपका RSB ट्रांसमिशन लिमिटेड पुणे, गेट नंबर 908 पुणे नगर रोड, यहाँ पे अगर आप जा सकते हैं तो इनका कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको दे देंगे। जो HR है, HR का कांटेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं जस्ट पोस्ट में अप्लाई कर, अगर आप चाहते हैं आप इस टाइम पे यहाँ पे जा सकते हैं, तो फिलहाल डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। फर्स्ट तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका CV को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, देन आपको ये जो इंटरव्यू है यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप HR को कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं। मगर एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब 24 से 30 तारीख के अंदर, 30 अप्रैल के अंदर अगर आप पुणे नहीं पहुंच पाते तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है इस जॉब में अप्लाई करने का या फिर HR को कॉल करने का। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे जा सकते हैं पॉजिटिवली इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, वर्क इन इंटरव्यू है, तो आप लोग अगर अटेंड कर सकते हैं तो ही इसको मतलब अप्लाई कीजिए, आइदर इनको कॉल कीजिए, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए, ITI का मैं फर्स्ट बताऊंगे जॉब हाइलाइट्स जो दिया हुआ है। ITI वाला फर्स्ट 0 to 1 ईयर 1 to 2 ईयर्स का अगर आपके पास फ्रेशर्स है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। डिप्लोमा अगर आप फ्रेशर्स है, यहाँ पे देखिए मेंशन है फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस मिनिमम बोला गया है 1 to 2 ईयर्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहता है तो आपको सैलरी जो है या फिर आपका स्टाइपेंड अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। परमानेंट यहाँ पे जॉब दिया जा रहा है, फुल टाइम जॉब, वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ लोकेशन पुणे पे, की स्किल तो ऑलरेडी मेंशन है। BE, BE, BTech फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों वाला अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ डिप्लोमा और ITI। आप में से जितने भी सारे लोग टेक्निकल, ऑटोमोबाइल, फिटर, ये सभी डिपार्टमेंट्स है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ITI, फिटर, टर्नर, कौन सा डिपार्टमेंट है ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है VE, BTech डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के ऊपर, अगर आपका BTech या आपका ऑटोमोबाइल के ऊपर डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ITI वालों के लिए फिटर, टर्नर, ग्राइंडर, मिलर, ये सभी डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ITI फ्रेशर्स के लिए मैंने बता दिया, डिप्लोमा फ्रेशर्स के लिए, देन आपको ट्रेनिंग पीरियड पे लिया जाएगा, ठीक है।
कंपनी कौन सा है, कंपनी का जो जॉब रोल कैसा रहेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आपका कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट तैयार करता है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल का छोटा छोटा कंपोनेंट है जिसे आपको तैयार किया जाएगा। आपका जॉब रोल कहाँ पे, कौन सा एरिया पे रहेगा, प्रोडक्शन रह सकता है, मैन्युफैक्चरिंग रह सकता है, मेंटेनेंस रह सकता है, तीनों डिपार्टमेंट पे एज पर कंपनी रूल या एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट्स आपको एचआर ये डिसीजन लेगा कि आपका जॉब जो जॉब का एरिया रहेगा ये कौन सा रहेगा। ठीक है, आपको फुल टाइम यहाँ पे लिया जा रहा है, परमानेंट बेसिस पे फुल टाइम जॉब का ऑफर दिया जा रहा है। तो मे बी अभी आपको एक या दो साल तक आपका जो स्टाइपेंड है 10 से 12 हज़ार, आईटीआई वालों के लिए 12 हज़ार से 13 हज़ार, मे बी डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए 13 to 15 thousand मिल सकता है, मगर परमानेंट जॉब है आपको इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी कंपनी जो है आपका अभी इस टाइम पे जस्ट ट्रेनिंग पीरियड 1 या 2 ईयर के लिए रखता है, मगर ये कंपनी आपको एकदम से परमानेंट जॉब का ऑफर किया जा रहा है। आरएसबी ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से, आरएसबी ट्रांसमिशन लिमिटेड पुणे की तरफ से ये वैकेंसी है। तो उम्मीद है आप में से जितने भी सारे व्यूअर्स मेरा पॉजिटिवली इस टाइम के अंदर मतलब 24 तारीख से 30 तारीख के अंदर इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, आप लोग डेफिनेटली इस पर अप्लाई कीजिएगा और इंटरव्यू को अटेंड कीजिएगा। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन होना मत भूलिएगा, डेली बेसिस पे आप लोगों को हर एक जॉब का अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट के ऊपर या कौन सा लोकेशन के ऊपर आप लोग जॉब चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों को उसी तरह का वीडियो देने के लिए। और एक चीज़ देखिए, बंगाल में जॉब अभी नहीं है, आप लोग अगर बंगाल का लोकेशन पे भी जॉब का डिमांड करते हैं तो मैक्सिमम जो बंगाल का वैकेंसी आता है एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो फ्रेशर्स वालों के लिए उतना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बंगाल में अवेलेबल नहीं है, तो बेहतर यही रहेगा आप लोग बाहर जाने के लिए थोड़ा प्रिपेयर कीजिए खुद को। हाँ, अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, थोड़ा बहुत टाइम लीजिए, उसके बाद सोचिए, घर से बात कीजिए, देन आप लोग जाके यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड कर रहे हैं, कोई भी डाउट्स या कुछ भी सवाल आप लोगों के मन में है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और देखिए, जो सभी व्यूअर्स नेगेटिविटी फैलाते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए जॉबलेस रहने से तो ये अच्छा है कुछ जॉब में जाके खुद का एक्सपीरियंस बढ़ाइए। हालांकि कंपनी अभी आपको अच्छा खासा सैलरी नहीं दे रहा, परमानेंट नहीं कर रहा, मगर फिर भी अगर आप घर पे ही बैठे रहिएगा तो कैसे आपका लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाइएगा। या तो हो सकता है आप घर पे बैठे हुए आपका गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कीजिए और गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कीजिए, मगर गवर्नमेंट एग्जाम भी तो अभी उतना खासा नहीं आ रहा, तो आपको कैसे मिलेगा मुझे समझ में नहीं आता है। तो जो भी है व्यूअर्स, आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन सा कंपनी अच्छा नहीं है, ख़राब है, ये घर पे रहते हुए आपको समझ में नहीं आएगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको जाके कंपनी में एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नॉलेज होगा। ठीक है ना, तो जो भी है वीडियो को एंड कर रहे हैं और फिर से एक नया जॉब अपडेट के लिए बहुत जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। थैंक यू।